हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारतीय किसान संघ ने मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को दिया ज्ञापन। भारतीय किसान संघ मंडार की ओर से किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर उप तहसील के आगे अनिश्चितकाल का धरना प्रदर्शन करने के बाद किसान संघ के जिला मंत्री सुजान सिंह वड़वच व मंडार तहसील अध्यक्ष मावा राम चौधरी ने धरने को संबोधित किया। वहीं किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम से उप तहसीलदार मंडार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि किसानों के कृषि कनेक्शन लंबित पड़े हैं। सामान्य श्रेणी के उन किसानों को सामान लेकर किसानों को कृषि कनेक्शन चालू हो। वहीं किसानों के विद्युत कृषि कनेक्शन में सरकार बिल में 873 रुपए की सब्सिडी मिल रही थी, वो बंद है। सब्सिडी किसानों को पूर्ण चालू करें। किसानों ने सरकार के कर्ज माफ करने का अपना वादा निभाए। वहीं अन्य समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उप सरपंच तहसीलदार मंडार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसान संघ जिला मंत्री सुजान सिंह वड़वच, तहसीलदार अध्यक्ष मावा राम चौधरी, तहसील उपाध्यक्ष केरा राम चौधरी, तहसील मंत्री भला राम चौधरी, तहसील व्यवस्था प्रमुख विया राम जेतावाड़ा, अध्यक्ष दिनेश चौधरी, राजेंद्र चौधरी, रत्ना राम, दरगा राम, शांति राम, खेमा राम, मोटा राम, पाता राम, राजेश चौधरी सहित कई किसान मौजूद थे। माता की जय हो, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जब तक किसान दुखी रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जब तक किसान दुखी रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय हो। जागरूक टीवी के लिए मंडार से अशोक भाटी की रिपोर्ट।